हेलो चिल्ड्रन, हमने प्रीवियस वीडियो में अपना चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, चैप्टर नंबर 7 जो है। आज हम उसका रिटन वर्क स्टार्ट करेंगे, जिसमें फर्स्ट हम सेक्शन ए लेंगे, जो कि अपना एमसीक्यू ट्रू और फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स एंड मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट हम एमसीक्यू देखेंगे। तो फर्स्ट हमारा एमसीक्यू है, मडगांव इज सीन इन विच स्टेट? गुजरात, महाराष्ट्र, केरला और गोवा। तो गुजरात जो मडगांव है वो कौन सी स्टेट में है? तो इट इज़ इन गोवा। नाउ सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग व्हीकल रन ऑन डीजल और पेट्रोल? जो ये व्हीकल्स दी गई हैं, जैसे कार, ट्रक, स्कूटर, ये इनमें से डीजल और पेट्रोल पे कौन से चलती हैं? डीजल या पेट्रोल पे कौन से चलती हैं? तो ऑप्शन होगा डी, ऑल ऑफ दीज। कार, ट्रक, स्कूटर जो है वो तीनों ही पेट्रोल और डीजल से चलते हैं। नाउ सुनील्स फैमिली पर कटिंग ऑफ एट विच स्टेशन? जो सुनील की फैमिली थी वो कौन से स्टेशन पर उतरने वाली थी? कोझिकोड़े, मडगांव, अहमदाबाद और सूरत। तो आंसर है कोझिकोड़े। तो ऑप्शन ए पे क्लिक कर लेंगे, टिक कर लेंगे। नेक्स्ट, ट्रू और फॉल्स। द साउंड ऑफ द मूविंग ट्रेन इज खुड़ खुड़ खुड़। ट्रू और फॉल्स? तो सही है कि ट्रू करेंगे हम इसमें, राइट, कि जब ट्रेन की जो साउंड होती है वो खुड़ खुड़ की होती है जब वो रन करती है। द रिवर डाउन बिलो वॉज फुल ऑफ शिप्स। तो जो रिवर थी वो पूरी की पूरी शिप से भरी हुई थी, तो ये फॉल्स होगा क्योंकि शिप्स जो हैं वो रिवर में नहीं, सी में चलती हैं। तो यहाँ पे फॉल्स कर लीजिएगा। वो पानी भरा हुआ था और उसमें क्या था, बोट्स थी, ठीक है, जो नाव होती हैं। नाउ मदर्स एल्डर सिस्टर इज कॉल्ड वल्यम इन मलयालम। कि मदर की जो बड़ी बहन या छोटी बहन है उसे हम मौसी जो कहते हैं, तो मलयालम में उसे वल्यम्मा कहते हैं। तो इट्स अ ट्रू। हमने देखा था कि जो अमाना थी वो पहले अपनी वल्यम्मा के घर पर रेस्ट करने वाली थी, देन नेक्स्ट डे वो अपनी अमुमास के घर पे जाने वाली थी, यानी नानी माँ के घर पे। तो यहाँ पे ट्रू कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा फिल ट्रू और फॉल्स कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम लेते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स, ओमानाज फैमिली वर गेटिंग ऑफ एट कौन से स्टेशन पे वो लोग उतरने वाले थे? तो डैश में लिखेंगे कोटायम। सेकेंड, वेन ओमाना फर्स्ट लुक डाउन शी फेल्ट। तो जब ओमाना ने ट्रेन से नीचे देखा विंडो से, तो उसे कैसा फील हुआ? वो बहुत ही घबरा सी गई। तो इट्स अ गिडी। गिडी का मतलब होता है घबरा जाना, GIDDY। नाउ थर्ड, मदर्स मदर इज कॉल्ड अमुमास इन डैश। कौन सी लैंग्वेज में नानी माँ को अमुमास, अमुमा कहा जाता है? तो इन मलयालम लैंग्वेज। ओके, तो मलयालम में अमुमा कहा जाता है, लिख लीजिएगा ब्लैंक में। नाउ मैच द फॉलोइंग, कोंकणी, मराठी, गुजराती और कन्नड़। ये एक कॉलम ए में जो है आपको लैंग्वेज दिया गया है और कॉलम बी में स्टेट्स दिए गए हैं, तो ये लैंग्वेज कौन सी स्टेट में बोले जाते हैं? जैसे कि कोंकणी जो है वो गोवा में बोली जाती है, तो गोवा के साथ ऑप्शन बी के साथ मैच करिएगा। मराठी जो है महाराष्ट्र में, तो ऑप्शन सी। गुजराती गुजरात में, ऑप्शन डी। एंड कन्नड़ कर्नाटका में, ऑप्शन ए। ठीक है, फिर से एक बार बता रही हूँ कि कोंकणी जो है वो गोवा में बोली जाती है, ऑप्शन बी। मराठी महाराष्ट्र में, जो कि सी नंबर पे लिखा हुआ है। गुजराती गुजरात में, ऑप्शन डी। एंड देन कन्नड़ कर्नाटका में। तो यहाँ तक आप अच्छे से कर लीजिएगा। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू